नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक ऑटो एक्सपो के और एक वीडियो से आपको मेरा सलाम। हम आ पहुंचे एक कार्गो के खेमे में। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री कॉटन ग्रीव्स, जानी जाती है कमर्शियल स्पेस में। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, मेरे पीछे जो गाड़ी है एरो विजन, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कंपनी दिखाना चाहती है किस टाइप के डिज़ाइन फिलोसफी पे कंपनी काम कर रही है। और साइड में जो दो रखी गई है, ये बहुत जल्द आने वाली है, मार्केट लॉन्च होने वाला है। एक है कार्गो, दूसरी है मोर ऑफ कह सकते हैं ऑटो की रिप्लेसमेंट। तो चलिए एक क्लोजर लुक देते हैं आपको, क्या है एरो विजन में खास और क्यों आपको करना चाहिए वेट अगर आप डिज़ाइन के शौकीन हैं। नेम इज एरो विजन, अगेन याद दिला दूँ, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बट नॉट अ रियलिटी। देख सकते हैं काफ़ी फ्लश सा बॉडी है। यहाँ पर जो डोर हैंडल्स है काफ़ी खूबसूरती से इंटीग्रेट किए गए हैं। लाइट्स भी सीमलेसली ये ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीव्स का बैच सिंपल रखा गया है। वेरी एरोडायनामिक व्हील्स की ओर देखिए, व्हील्स भी यहाँ पे काफ़ी चौड़े रखे गए हैं। डिज़ाइन लुक्स रियली नाइस। पीछे से दिखा देते हैं, पीछे भी गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है। जो लाइट है कितने सीमलेसली सुंदर तरीके से यहाँ पे फिनिश किया गया है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बैच आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टो हुक नीचे की ओर दिया गया है, नीचे को रिफ्लेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब जाते हैं रियलिटी की ओर, जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। दिस इज़ अ कह सकते हैं LCV, 500 किलो से नीचे का जो कैटेगरी आता है पेलोड। यहाँ पे आप कार्गो अगर बिठाना चाहते हैं, 150 क्यूबिक फीट वाला कार्गो बैठ जाएगा बॉक्स। और ये है 500 किलो पेलोड वाली गाड़ी। पीछे आप देख सकते हैं कि जो टायर्स दिए गए हैं, जितने मेरे को लग रहे हैं दीज आर 10 इंच के हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। हाँ, 10 इंच के टायर्स दिए गए हैं। कॉइल टाइप सस्पेंशन है, यहाँ पर लीफ टाइप नहीं मिलेगा, कॉइल टाइप सस्पेंशन दिया गया है। बैटरी इज़ अंडर टेस्टिंग, ऑलमोस्ट 100 से 120 तक का आपको रेंज देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द कार्गो, जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। लाइट्स देखिए, वही सुंदर तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। केबिन इज़ नॉट येट रेडी, अगले 3-4 महीने में कंपनी ये लॉन्च करने का दावा रख रही है, बट डिज़ाइन इज़ द की हाईलाइट। फ्रंट में भी आप कॉइल देख सकते हैं। सस्पेंशन जो टॉप स्पीड है 50 से 60 के बीच होगी। एंड राइट बिसाइड इट इज़ एन ऑटो रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। पब्लिक मोबिलिटी स्पेस में ग्रीव्स उतारना चाहती है इस ऑटो रिक्शा को, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कह सकते हैं, जिसका नाम है ELP, बेस्ट इन क्लास ड्राइविंग अर्गोनॉमिक्स कंपनी क्लेम कर रही है। विजिबिलिटी विल बी नाइस, क्योंकि देखिए विंडस्क्रीन काफ़ी बड़ा है। सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। एंड दिस इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप समझ सकते हैं, मतलब कनेक्टेड स्कूटर होगा, कनेक्टेड सॉरी ई रिक्शा होगा। और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं हेल्थ ऑफ द स्कूटर एंड ऑल। अब देखिए, मैं कंफर्म करके नहीं बता सकता कितना रेंज है, क्या बैटरी है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दैट इज़ स्टिल अंडर प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये लॉन्च होगी लगभग मई जून के महीने में। कंपनी और भी कुछ चीज़ें कह रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो टॉप स्पीड है लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बेस्ट इन क्लास इनग्रेस इग्रेस। सो दिस इज़ फ्यूचर ऑफ कार्गो, फ्यूचर ऑफ पब्लिक मोबिलिटी ग्रीव्स की ओर से। आपको कैसा लग रहा है, लेट अस नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो।